डरने लगे, बोलो डरने नहीं, खौफ खाने लगे, खौफ। खौफ पता होता है क्या होता है? हाँ, तो सुंदर के बच्चों का हमारा हंगामा और जलवा इतना बड़ा है कि यहाँ के बच्चे तो छोड़ो, यहाँ के हमारे टीचर्स भी बच्चों से डरते हैं। आपको अगर झूठ लग रहा है तो अपने क्लास की एक मैडम आज फंक्शन में आने से डर रही थी, क्या आपको पता है? अपने एक सर है, लेकिन वो एसपी के सर, नाम भूला, शैलेश सर। तो हमारे शैलेश सर ने उनको मनाया, यहाँ पे स्टेज पे लेके आए। आपको सच लग रहा है ना कि झूठ लग रहा है? अगर झूठ लग रहा है तो एक मिनट रुको, अभी मैं सर को बुलाता हूँ और मैडम को बुलाता हूँ। तो मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा शैलेश सर को और हमारे काजल मैडम को। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत। हेलो, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन सुना आदि क्या उमंग को क्या करूं आगे में उमंग को? अरे दोस्तों से मिलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, डांस देखेंगे और क्या। ए, क्या बोलती तू? अरे क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती क्या उमंग को क्या करूं आगे में उमंग को? अरे दोस्तों से मिलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, डांस देखेंगे और क्या। ए, क्या बोलती तू? बच्चों में ही मजा है मेरी मैना, ना मानेंगे छेड़ेंगे वो, छेड़ेंगे वो मुझको। अरे काठी लेके जाएंगे पागल समझी क्या मुझको? क्या कहूँ आगे मैं जानूँ ना, क्या कहूँ तुमसे मैं जानूँ ना। अरे इतना तू क्यों सोचे, मैं आगे तू पीछे, बस सब निकल दे और क्या। ए, क्या बोलती तू? अरे क्या मैं बोलूं? देंगे फेलिसिटेशन करेंगे, सुंदर के इन बच्चों के संग फोटो खींच के आएंगे। अभी करता ना, हाँ भी करता ना, भी करता थी मेरा दीवाना। अरे दिल भी साला पार्टी बदले, कैसा है जमाना। जा वहाँ सेटिंग तू करके आ, अरे पल में संभलते हैं, पल में सुधरते हैं, बच्चे हैं प्यारे और क्या। ए, क्या बोलती तू? अरे ए, क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती क्या उमंग को? तो चलिए मैम मान चुके हैं। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो सर, मेरा कागज है, तुम्हें लेला ऑर्फनेज 14।
तुम्ही बोला तुम्ही अनाथांच्या आई सिंधुताई सपकाळ 14 नोव्हेंबर 1947 रोजी महाराष्ट्रात जन्मलेलं हे व्यक्तिमत्व यांना आपण जरी सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून ओळखत असलो तरी सिंधुताईंना लोक प्रेमानं माई म्हणतात. मूळच्या विदर्भातल्या वर्धा जिल्ह्यातील नवरगाव ही त्यांची जन्मभूमी. वडील अभिमान साठे हे गुरु वळण्याचे काम करायचे. नवरगाव हे एक अतिशय मागासलेलं आणि शहरी सुविधांचा स्पर्श नसलेलं गाव. कुणालाही शिक्षणाचा गंध नाही अशा परिस्थितीत अभिमान साठे पिंपरी गावात आले. अभिमान साठे यांची सर्वात मोठी मुलगी म्हणजे सिंधुताई. तिला लहानपणी चिंधी या नावानं पुकारलं जायचं. सिंधुताईला एक भाऊ आणि एक बहीण आहे. आपल्या मुलीनं शिकावं अशी वडिलांची खूप इच्छा होती पण आईचा मात्र सक्त विरोध होता. म्हणूनच सर्वांनी जागेवरच बसून पासूनच गुरु राखायला पठवलं जायचं. इकडे माई चोरून जागेवर बुद्धिमान पण जेमतेम मराठी वयातच त्यांचं लग्नही झालं. चिंधा साठेची चिंधाबाई श्रीहरी सपकाळ झाली. जेव्हा लग्न झालं तेव्हा त्यांचं वय होतं केवळ 11 वर्ष आणि नवऱ्याचं वय 30 वर्ष. दोघांच्या वयामध्ये बरीच तफावत, घरात प्रचंड सासूरवास आणि बरीच मेहनत या सगळ्या गोष्टींचा गाडा हाकत असताना 18 वर्षापर्यंत माईंची 3 बाळंतपणं झाली. त्या चौथ्या वेळी गर्भ